Assalamu alaikum friends, my name is Mohammad Asha. Welcome in my YouTube channel Universal Info.education. आज मैं आपको फोर्स के बारे में बताऊंगा. फ्रेंड्स, फोर्स क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है हिंदी में ताकत. अब फ्रेंड्स, अब हम इसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स. फिजिक्स के अंदर इसका क्या काम होता है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. फोर्स, इट इज, तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा, फोर्स क्या होता है? फोर्स एक वो कार्य है, यानी कि फोर्स एक वो काम होता है जिसके अंदर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सपोज करिए हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पोजीशन में है, अभी जो रेस्ट पोजीशन में है. तो फ्रेंड्स, अगर कोई शख्स इसको पुश करे या पुल करे, पुश करे आगे की तरफ, पुल करे पीछे की तरफ, अपनी रेस्टिंग पोजीशन से ये मूविंग कंडीशन में जो आ जाता है, किसकी वजह से? ड्यू टू फोर्स, वो हमारा फोर्स कहलाता है. और फ्रेंड्स, ये एक एक्सटर्नल एजेंसी होती है, यानी कि ये बाहर से काम करता है. इट इज एक्सटर्नल एजेंसी. It is an external agency. It cannot be seen. इसको हम देख नहीं सकते. It can feel only. Force को देखा नहीं जा सकता friends, सिर्फ महसूस करा जा सकता है. और अब आप समझ गए होंगे, it is a push and pull which change the position of rest or uniform motion. So that is called force. वो हमारा फोर्स कहलाता है, जो रेस्ट पोजिशन से, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पोजिशन पर रखा है और वो मूविंग कंडीशन में आ जाए, किसके द्वारा? किसी बाहर, यानी कि फोर्स अप्लाई हो किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, यानी कि बाहर से, या तो आगे की तरफ पुश करा जाए या पीछे की तरफ पुल करा जाए, तो वो हमारा फोर्स कहलाता है. और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं हम एफ से. इट इज डिनोटेड बाय एफ. इसको एफ से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम अपॉन सॉरी F is equal to m upon a, यानी कि mass upon acceleration. Mass upon acceleration. और इसकी SI unit क्या होती है friends? SI unit होती है इसकी न्यूटन, यानी कि n. n मतलब न्यूटन. इसकी ये ऐसा यूनिट होती है. और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ. डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, फोर्स इट इज अ पुश एंड पुल विच चेंज द पोजिशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज कॉल्ड फोर्स. यानी कि फोर्स हमारा एक वो कार्य होता है जिसके अंदर हम एक जो एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में है, जब हम उसको फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि ताकत लगाते हैं. जैसे कि हमारा बोर्ड है, अगर मैं इससे हाथ से अपने हाथ से ताकत लगाऊं बोर्ड की तरफ, तो ये हमारा बोर्ड थोड़ा सा कर्व शेप में हो जाएगा. तो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू फोर्स. वो हमारा फोर्स कहलाता है, यानी कि रेस्ट टू मूविंग कंडीशन. और फ्रेंड, ये एक एक्सटर्नल एजेंसी होती है, इसको हम देख नहीं सकते. इट कैन फील ओनली. और फ्रेंड्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी कहलाती है. वेक्टर क्वांटिटी. तो फ्रेंड्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके अंदर हम मास और डायरेक्शन दोनों माप सकते हैं. और इसका ये फार्मूला होता है एम अपॉन ए,
यानी मास अपॉन एक्सलरेशन, ऐसा यूनिट इसकी ये होती है न्यूटन, और डायमेंशन फार्मूला होता है एम एल टी माइनस टू। अब फ्रेंड्स फोर्स टू टाइप के होते हैं, यानी कि दो तरीके के फोर्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको फोर्स बताया और फोर्स के बारे में बताया, उसकी एसआई यूनिट बताई, डायमेंशन फार्मूला बताया। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा ये फोर्स कितने तरीके के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है एक्शन एट एनी डिस्टेंस फोर्स। फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा वो फोर्स होता है जिसके अंदर दो फिजिकल बॉडी, यानी कि दो फिजिकल बॉडी का आपस में कॉन्टैक्ट हो, यानी कि इट इज रिप्रेजेंटेड द कॉन्टैक्ट ऑफ टू फिजिकल बॉडी। सो वो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। अब देखिए वो कॉन्टैक्ट फोर्स किस तरीके से कहलाएगा, ये जैसे कि हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है सरफेस पर, अभी एक बंदा इसको पुश कर रहा है इधर। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट और इस बंदे के बीच में जो फिजिकल कॉन्टैक्ट बन रहा है, ये अपने हाथों से ही तो ऑब्जेक्ट पर हाथ रखकर पुश कर रहा है इधर, तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट बन रहा है वो हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि वो कहलाता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। और फ्रेंड्स एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स वो फोर्स होता है यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी कि जैसे कि ये मान लीजिए ये हमारी एक मैग्नेट और ये हमारा ये आयरन पीस है। तो इन दोनों के बीच में यानी कि ये हमारा गैप है, यानी कि एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स वो फोर्स होता है जो दो 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 ऑब्जेक्ट के बीच में जो गैप, जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में गैप जो होता है, उस गैप के बीच में जो कॉन्टैक्ट बनता है नहीं फोर्स का, वो हमारा एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स कहलाता है। और फ्रेंड्स और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझाने का मेरा तरीका पसंद आया हो। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब बटन के बराबर में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।